फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं तनुज चंदेल की ईद की तैयारियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदिल खान दुरानी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस से हैं तनु, और उनके बारे में खबर निकलकर सामने आई थी कि आदिल खान दुरानी और राखी सावंत के बारे में कुछ अर्सा पहले उन्होंने यही कहा था, तो मेरा कुछ लेना देना राखी से और ना ही उनके हस्बैंड आदिल से, बस ये कहूंगी राखी को कि अपने शौहर को संभाल के रखें। लेकिन अब रिसोर्सेज की मानी जाए दोस्तों, तो खुद संभालने को तैयार बैठी हैं आदिल खान दुरानी को तनु चंदेल। जी हाँ दोस्तों, ईद की बहुत ही भरपूर अंदाज में तैयारी करती नजर आ रही हैं, और तैयारी करने का मकसद यही है कि जैसे ही आदिल खान दुरानी मुंबई पहुंचे तो उनके साथ ईद सेलिब्रेशन बहुत ही धमाकेदार होंगी। यहाँ पर रिसोर्सेज की मानी जाए तो इनकी ना सिर्फ फैमिली होगी बल्कि फैमिली फ्रेंड्स भी मौजूद होंगे। आदिल खान दुरानी जिनके साथ तनु चंदेल का बहुत ही अच्छा वक्त बीत चुका है और माजी के बेहतरीन दोस्त रह चुके हैं, इसी वजह से अब तनु चंदेल ने डिसाइड किया है कि आदिल खान दुरानी जो कि जेल से बाहर आने वाले हैं, तो क्यों ना उनकी ईद को यादगार बनाया जाए, क्योंकि राखी सावंत ने उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जाम लगाए हैं कुछ तो कोर्ट में साबित हो चुके हैं और कुछ साबित नहीं कर पाए राखी सावंत, इसीलिए आदिल खान दुरानी को बेल मिल चुके हैं मुंबई से। तो ऐसे में बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि तनु चंदेल चाहती हैं कि ईद बहुत ही यादगार होनी चाहिए ताकि आदिल खान दुरानी इन सभी गमों को भुला दे जो उन्होंने पिछले कुछ अर्से से हासिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मुकम्मल तौर पर आदिल खान दुरानी के जख्मों पर मरहम रखने के लिए तैयार बैठी हैं तनु चंदेल। तो ऐसे में यही खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि पूरी तरह से और भरपूर अंदाज में ईद की तैयारियाँ कर रही हैं। इनकी ईद की तैयारियों के बारे में आपको बता दें दोस्तों, तो वही रिवायती शीर खुरमा बनाने वाली हैं और उसके साथ आदिल की फेवरेट सभी डिशेस बनने वाली हैं तनु के हाथों से। जी हाँ दोस्तों, तनु चंदेल का मजीद ये भी कहना है कि आदिल खान दुरानी एक बेहतरीन दोस्त रहे मेरे, चूंकि मैंने उनके साथ जो 3 से 4 महीने का वक्त गुजारा है मेरे लिए तो वो बहुत बेहतरीन इंसान थे। राखी के साथ उनके जो भी मामलात थे मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हर इंसान हर किसी के साथ एक साथ नहीं होके मिलता। और दोस्तों आप बताएं कि तनु चंदेल कहीं मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो चुकी आदिल खान दुरानी की? ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।